ट्विंस माय वर्ल्ड के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन को दबाइए। दूसरों को ज्ञान देने के पहले अगर खुद में वो चीज़ अगर इंसान चेंज कर ले तो ज्ञान देना भी जस्टिफाइड होता है। हमारे समाज में आपको बहुत सारे लोग ऐसे दिख जाएंगे जो बिना मतलब के बहुत सारे ज्ञान तो देते रहते हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत सारी कमियां होती हैं जिसके लिए उनका कोई ध्यान नहीं होता है, उसको सुधारने की कोशिश वो लोग बिल्कुल नहीं करते, इनफैक्ट दूसरे को ट्रोल करते रहते हैं। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी जो कमियाँ हैं उसको मैं पहले हटाने की कोशिश करूँ, तब जाके मेरा ये वीडियो बनाना जस्टिफाइड होगा। जैसा कि आज का टॉपिक है नेल बाइटिंग, उसके ऊपर मैं वीडियो तभी बना पाऊँगी जब मैंने दो दिन से खुद को रेजिस्ट किया। मुझे लगा कि मैंने जो जो चीज़ अपने लिए अपनाया है तो मैंने डिसाइड किया कि ये वीडियो मैं तभी बना सकती हूँ। जैसा कि मेरे करीबी जो रिश्तेदार है वो सारे लोग जानते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा सीरियस नेल बाइटर हूँ। देखिए मेरे नेल बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, लेकिन मैं बहुत अंदर से चाहती हूँ कि मैं इस गंदी आदत को छोड़ दूँ, क्योंकि देखिए पता नहीं कब से मुझे चाइल्डहुड से ये प्रॉब्लम हो गई। मुझे नहीं पता चला कि कब मेरा फिंगर मेरे मुंह पे चला गया और कब मैं नेल बाइटिंग करना मैंने स्टार्ट कर दिया। और स्पेशली जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है या फिर मैं कुछ बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रही हूँ या सोच रही हूँ, उस वक्त खुद ब खुद मेरा नेल बाइट हो जाता है। जो कि साइंस ने भी प्रूव किया है कि अगर आप किसी चीज़ से स्ट्रेस से अगर गुजर रहे हैं तो आप नेल बाइटिंग ज़्यादा करते हैं। आपके साथ भी होता होगा, आपके बच्चों के साथ भी होता होगा। तो ये आदतों को अगर हम लोग छोटी छोटी आदतों को अगर बचपन में नहीं रोकेंगे तो वो बड़े होके काफ़ी इंटेंस होते जाते हैं। तो जैसा कि एक वीडियो में मैंने एक देखा था कि एक लेडी थी जो 55 ईयर्स की थी, उनको इतना सीरियस नेल बाइटिंग का हैबिट पता नहीं कब से पड़ गया। उनके नेल तो बिल्कुल ख़राब हो ही चुके थे, इनफैक्ट उनके जो डेंटल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा शुरू हो गई थी, उनके दांतों में प्रॉब्लम हो गई थी और वो बहुत ज़्यादा किसी मेंटल स्ट्रेस से गुजर रही थी। तो प्रॉब्लम कहीं वर्स्ट ना हो जाए, सिचुएशन कहीं वर्स्ट ना हो जाए, आपको इनिशिएटिव शुरू से ही लेना चाहिए। और देखिए बच्चपन में बहुत ज़्यादा कोशिशें हम लोग बच्चों के साथ करते हैं, इनफैक्ट मेरे साथ भी हुआ होगा कि ये चीज़ें नहीं करें, लेकिन जब जैसे ऐसे कोई जैसे होता है कि जिसको अगर जैसे सुधार नहीं लाना था वो नहीं लाया, लेकिन जब हम लोग बड़े हैं अगर वो लोग खुद फॉर्म डिटरमाइंड हो जाए कि मुझे ये खुद में चेंज लाना है। देखिए बहुत ज़्यादा आप डांट डपट से कुछ नहीं कर सकते हैं अगर इनफैक्ट अगर वो पर्सन की अगर विल पावर अच्छी नहीं है। तो मैं बहुत ज़्यादा विल पावर जमा करके ही ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एक सीरियस प्रॉब्लम है, ये किसी और के साथ ना हो। क्योंकि मैंने जो वीडियो देखा वो काफ़ी स्कैरिंग था, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे साथ या फिर और किसी के साथ ये चीज़ें हों। तो दो दिन मैंने ऐसा क्या क्या किया उसके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। सबसे पहले तो जब भी आपको नेल बाइटिंग के लिए बहुत अंदर से इच्छा हो, उस समय आपको सिर्फ ये माइंड सेट रखना है कि आपको नेल बाइटिंग नहीं करनी है। ये फर्म डिटर्मिनेशन रखना है अगर आप बड़े हैं उनके लिए, लेकिन अगर बच्चे हैं उनको आपको रेगुलरली टोकना है। क्योंकि बच्चों को आप कंटिन्यूसली किसी चीज़ के लिए टोकिएगा तो वो हो सकता है कि वो धीरे धीरे कम कर दें या फिर नहीं करें। और जैसे कि जो बड़े लोग होते हैं उनका तो रेगुलर वो जो होता है एक मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो किसी की नकल करके या दूसरे बच्चों की नकल करके वो सारी चीज़ें करते हैं तो उनमें छुड़ाना काफ़ी आसान होता है। लेकिन जो बड़े लोग हैं जो मतलब करते हैं इस तरह की चीज़ें बहुत साल हो गए, वो रेगुलरली कर रहे हैं, उनको एक स्ट्रांग विल पावर की ज़रूरत है। जैसा कि मुझे भी लगता है कि ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, मैंने बहुत हिम्मत जुटा के ये वीडियो बनाई है। दूसरी चीज़, जब भी आपको जब इच्छा हो या आप अपने नेल को कलर करके रख सकते हैं, जितनी भी लेडीज़ हैं गर्ल्स हैं वो अपने नेल को कलर करके रखिए। अगर आपको कलर नहीं पसंद है तो आप ट्रांसपेरेंट वाला जो नेल पेंट आता है उसको आप कलर करिए। इससे होता क्या है कि आपको बहुत फाउल सी स्मेल आएगी, टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप खुद ब खुद उसको छोड़ दीजिएगा। या फिर अगर आप चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं, नेल बाइट डिटरेंट वगैरह आता है, तो अगर आप उसको यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो सिंपल आप नेल पेंट यूज़ करिए। जैसे बच्चों को तो आप नेल पेंट यूज़ नहीं कर सकते हैं तो उनको लगातार आपको टोकना है, कभी भी डांटिए थोड़ा सा। देखिए उनको स्ट्रिक्ट होना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये आदत पहले ही छूट जाएगी तो अच्छा रहेगा, बाद में सिचुएशन वर्स्ट नहीं होनी चाहिए। ये तो हुई दूसरी बातें जो मैंने बताई। तीसरी बात, आप देखिए कि आपको किसी तरह का मेंटल स्ट्रेस तो नहीं है। बड़े लोगों में ऑब्वियस सी बात है कि फेस पे सामने कुछ और रहता है, अंदर कुछ और रहता है, ये सही है, लेकिन आप अपने स्ट्रेस के मोमेंट पे भी आप ये डिटरमाइंड रही कि मुझे
नेल बाइटिंग नहीं करनी है। और बच्चे हैं उनमें अगर स्ट्रेस है किसी बात को लेके, स्कूल में, घर परिवार में, किसी पर्सन से उनको प्रॉब्लम है, तो आप कोशिश करिए, आप रूट कॉज पकड़ने की कोशिश करिए कि मेरा बच्चा आजकल इतना ज़्यादा परेशान क्यों है। उसकी आप बिहेवियर को थोड़ा सा आप नोटिस करिए कि उसके बिहेवियर में इतना चेंजेस आ क्यों रहा है। आप जिस तरह से अगर रूट कॉज को पकड़िएगा, आपकी बॉन्डिंग भी काफ़ी अच्छी रहेगी। बच्चों के साथ आपको इतना फ्रेंडली बिहेवियर रखना है जिससे बच्चा आपको अपने मन की सारी बातें बता दे, दूसरे लोग उससे दोस्ती करें। इससे बेहतर है कि अपने बच्चों से आप खुद दोस्ती करें, उनकी हर एक प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करिए। उनके बिहेवियर में अगर आपको चेंज दिखे तो ज़रूर एक्टिव हो जाइए कि आपसे बच्चा कुछ छुपा तो नहीं रहा, आप उसके बारे में जानने की कोशिश करें। एक और चीज़, अगर आप इस आदत को सीरियसली छोड़ना चाहते हैं तो अपने माउथ को और हैंड को इंगेज कर लीजिए। देखिए, हैंड को इंगेज करने के लिए आप अपने फिंगर में कंटिन्यूसली एक कॉइन को उछला सकते हैं, उसको उसके साथ खेल सकते हैं, या फिर आप जो ये वाली योगा करने वाली जो होती है वो आप कर सकते हैं। देखिए, इस ये वर्क करता है या नहीं करता है मैं नहीं जानती हूँ क्योंकि मैं पर्सनली नहीं करती हूँ, लेकिन अपने हाथ को इंगेज करने के लिए आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और माउथ को इंगेज करने के लिए आप च्युइंगम का सहारा ले सकते हैं, या फिर आप हेल्दी स्नैकिंग में आप पफ्ड राइस, जो कि लो ऑयल की जो चीज़ें होती हैं जैसे भूंजा हुआ, उसको आप थोड़े थोड़े क्वांटिटी में आप खा सकते हैं। देखिए, ये मत करिए कि नेल बाइटिंग की आदत छूटी तो आप ओबेसिटी के शिकार हो गए, इसलिए आप बेहतर है कि आप हेल्दी स्नैकिंग करें, पफ्ड राइस वगैरह लें, थोड़ा आपका मुंह भी चलता रहेगा और हाथ भी इंगेज रहेगा, तो इससे आप नेल बाइटिंग की तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा। एक और बात, जब भी अगर आपको इस तरह की चीज़ें लगे कि आपको छोड़नी है, तो आप कैसे याद दिलाइएगा कि मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है। आप अपनी नेल बाइटिंग करती हुई एक तस्वीर, जो गंदी सी तस्वीर है, उसको आप दीवार पे लगाइए। इतना पॉसिबल नहीं है तो आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे लगाइए। आप जब भी उसको देखिएगा आपको इतना बुरा फील होगा, इतना एम्बैरेसिंग लगेगा, तो आपके अंदर खुद ब खुद ये अर्ज आएगा कि आपको ये चीज़ क्विट करनी है। और बहुत सारे लोग अगर पॉसिबल हो तो अपने नेल के ऊपर हल्की जो सेलो टेप आती है उसको आप लगा सकते हैं। अगर आपको काम वाम करने में दिक्कत हो रही है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जब भी फ्री हो तो आप टेप सारे पांचों फिंगर्स में आप टेप लगाइए। इससे भी आप खुद को बहुत आसानी से रिजिस्ट कर पाइएगा। और बच्चों की भी मैंने जैसे बताया कि आपको मन की बातें जाननी है ताकि बच्चे स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो वो खुद ब खुद नेल बाइटिंग नहीं करेंगे। और ये सारी चीज़ें हैं। और देखिए, जितनी भी महिलाएं हैं जिनके बच्चे हुए हैं या फिर उनको देख देख के वो सीखने वाले हैं, तो वो इस चीज़ को सोचिए कि आपका बच्चा आपको देख के ही वो सारी चीज़ें करेगा जो आपके अंदर जो बुरी हैबिट्स हैं। तो ये सोच के भी आप फर्म डिटरमाइंड हो जाइए कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश देनी है। तो होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करिएगा उन नेल बाइटर्स के लिए जो रियली में ये चाहते हैं इसे छोड़ना। ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है जिसे लगता है कि ये टॉपिक उठाना, मुझे लगता था कि ये सही है। तो होप आप मेरी भी सहायता करेंगे। जब भी मैं वीडियोस में आऊँ तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट करिए कि आप अपने नेल दिखाइए। अगर मैं अपनी प्रोग्रेस आपको ज़रूर दिखाना चाहती हूँ कि मैंने खुद को कितना रेजिस्ट किया है, तो होप आप कमेंट ज़रूर करिएगा और प्लीज़ कमेंट करिएगा ताकि मुझे भी इनिशिएटिव मिलेगी कि मैं भी अपने अंदर सुधार लाऊं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रेंड्स माय वर्ल्ड।